गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ओके, तो चलो अभी अपने न्यू ईयर का हम आज का सेकंड क्लास लेते हैं, तो देखते हैं कि अपने हिंदी की क्लास। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सब लोग अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालो और देखो पेज नंबर 48। क्यों? क्योंकि आज हम क्या देखने वाले हैं, लेसन नंबर 14 का स्वाध्याय देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने ये जो लेसन नंबर 14 है इसका स्वाध्याय पिछले कुछ क्लासेस से ही स्टार्ट किया है। ओके, तो पहले हमने क ख के क्वेश्चंस देखे थे, तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि ग के क्वेश्चंस। तो ये आगे क्या है, उदाहरण के अनुसार लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पे उदाहरण दिए हैं दो, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे ये एग्जांपल यानी कि उदाहरण यहाँ पे दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे आपको, तो वैसे ही आपको 1 2 3 4 ये जो है यानी कि इनमें जो ब्लैंक है उनको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो सब लोग अभी ब्लैक बोर्ड पे अच्छे से ध्यान देखो। यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण में आपके पास क्या है, देखो क्या है आपके पास, वह रोज नहाता है क्योंकि वो एक है, वह यानी कि एक। ओके, तो वह रोज नहाता है यानी कि क्या हुआ, एक। उसके बाद देखो, वे रोज नहाते हैं, वे यानी कि क्या हुए, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जहाँ पे होते हैं वहां पे लगता है वे, यानी समझ में आया आपको, वे जिस वाक्य में आपको दिखता है इसका मतलब है कि वहां पे एक से ज्यादा सामान है, चीजें हैं या फिर कुछ भी। ठीक है, देखो तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है, रवि और सुरेश बाजार। देखो रवि एंड सुरेश यानी कि कितने हैं, दो है। तो देखो क्या लगेगा यहाँ से, जाते हैं कि जाता है, अगर एक होता तो जाता है, लेकिन यहाँ पे दो है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जाते हैं। क्यों लिखा हमने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं। समझ में आया, रवि एंड सुरेश कितने हुए, ये दो, 1 एंड 2। ओके, देखो रेखा कपड़े ब्लैंक, रेखा यानी कि यहाँ पे क्या है, एक है ना, तो इसीलिए यहाँ से क्या लगेगा, होते हैं कि होती है, होती यानी कि क्या हुआ, ज्यादा, लेकिन होती है यानी कि क्या हुआ, एक, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, धोती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, धोती है। ओके स्टूडेंट्स, देखो उसके बाद क्या है, मैं गिर, मैं यानी कि मैं, वन, मैं मतलब क्या हुआ, एक। देखो मैं गीत गाते हूँ कि गाता हूँ, क्या लगेगा यहाँ पे, गाता हूँ। क्या लिखेंगे, देखो मैं गीत गाता हूँ। ओके, उसके बाद अब देखो, तुम पार या तुम यानी कि तुम मतलब एक, तो देखो तुम पार या करते हो कि करते हैं, क्या लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट वाला, तुम पाठ याद करते हो। ओके, करते हो ना, लिखो यहाँ पे क्या लिखना है, करते हो। ओके, हो गए कंप्लीट यहाँ पे। अभी देखो ख में, घ में, तो घ में क्या है आपके पास, निम्न
सेंटर। तो आज की ये क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, बाकी का हम अपने अगले क्लास में देखेंगे।